अब मैं हमारे आखिरी गेस्ट मैम खालिदा परवीन को बुलाना चाहता हूँ, जो अमूमत सोसाइटी से हैं। प्लीज़ आए मैम और हमारे हमको एनलाइटन करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम कदीर साहब और सारे मेरे भाइयों और बहनों पीछे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गालिबन आज के इस नशिस्त में आखिरी स्पीकर हूँ मैं। सभी लोग थक गए हैं, 10 मिनट से पहले ही मेरी बात खत्म करूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही वज्तबाकुम। जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। जिहाद का मतलब हरकत करो, उठो अपनी जगह से, काम करो। हमको अल्लाह ताला ने आवाज दिए हैं, वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही वज्तबाकुम। उसने तुमको चुन लिया है, हमको चुन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उठ के खड़े हो नहीं होते तो अल्लाह ताला का कुछ कमी नहीं होती, अल्लाह ताला कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ता हमारा है। ये सूरह हज के आयते हैं कि वजाहिदु फिल्लाह हक जिहाद ही। इसको मैं जोड़ती हूँ सूरह मोहम्मद के आयत से, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम नहीं उठोगे कि तुम्हारी जगह किसी और को ला खड़ा कर दूंगा, अपना काम ले लूंगा, तुम पस्त हिम्मत रहोगे, तुम बुजदिल होगे, तुम काहिर होगे, ये सारे बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको चुन लिया है, सबूत दिए हैं, हम लोग आके बैठे, कुछ ना कुछ काम अपने जो अपने हाथों से बन पड़ते हैं हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं अपना तारुफ, मेरा नाम खालिदा परवीन, आपने सुना है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, टू इन वन हूँ, बल्कि मैं थ्री इन वन। मैं बेसिकली 15 साल 20 साल शोबे दावत में काम किया करती थी, गैर मुस्लिमों में इस्लाम को तारुफ देना ये काम था। जब हमने सेकेंड लाइन थर्ड लाइन बहुत लोगों को तैयार किया इस मैदान में, ट्रेनिंग दिए, पूरे तेलंगाना आंध्रा मुतहद आंध्रा था, फिर हमने वो काम उनको सपोर्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि सोशल सेक्टर में हमारे खवातीन के मौजूद ना रहना हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है। सोशल प्रॉब्लम्स है हमारे, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स कोई और एड्रेस कर रहे, वहां जाके अपने मसले लेके जा रहे, जिसको इल्म ही नहीं है, जिसका दीन का अलिफ बे नहीं आता, या गैर मुस्लिम भी है, वहां पर जाके अपने मसाइल हल कर रहे हैं। तो हमने सोच, मुझे बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद हम इस पे सोच ही रहे थे, चलो मोदी साहब का आ ही गया था ट्रिपल तलाक, वो हंगामा चला। हमने देखा ये मुख्तलिफ जगह पे बातचीत चल रही थी, खवातीन पुलिस स्टेशन जा रहे, खवातीन कोर्ट चले आ रहे, हमारे खवातीन यहाँ बेरारवी के मामले कर रहे हैं। तो हमने कहा करना क्या, फिर इनको रोकें कैसा, इनका सुने कैसा। हमने मुख्तलिफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ लिखा, फिर बाद में अपने बोर्ड के पास जाके कुछ बातें रखी, फिर आखिर में जो है खजात ऑफिस में जाके बताया कि भाई आप एक ऑफिस यहाँ रखते हैं गोलकुंडा में और एक ऑफिस रखते हैं ओल्ड सिटी में, बीच में इतने बड़े आबादी में अगर खातून के साथ कुछ मामला हो तो पुलिस स्टेशन नहीं जाए तो जाएगी क्या। खुदा के लिए आप लोग अपना ये खजात ऑफिस जगह जगह खोलिए। बोले कि नहीं होता मैडम, वो खवातीन ऐसे ही रहते हैं, बस इस तरह की आवाज थी, इस तरह के अल्फाज। तकलीफ मुझे हुई। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि असल प्रॉब्लम ग्राउंड में सोल्यूशन ढूंढना है। तो हमने उसी वक्त तय किया था, अमूमत सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, खवातीन के लिए काम करना था, लेकिन पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम बेसिकली दाई थे तो एनजीओ कैसे चलाना पता ही नहीं था। तो हमने उस वक्त तय कर लिया था हमको एक काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करना है कि खवातीन को पुलिस स्टेशन जाने से यहाँ बिठा के बात करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तरफ लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि 50% ऑफ द प्रॉब्लम हमारे ऑफिस में सॉल्व हो जाता, 50%, 30% ऑन गोइंग रहता, 20% अब स्टैंडिंग हुआ थी। इस तरह जो है अमूमन सोसाइटी का
और जब सिर्फ काउंसलिंग सेंटर में क्या करेंगे, उसके अलावा भी बहुत से काम है करने के लिए, क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट हमारा अमूमन सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में थे। तो हमने क्या किया, ये स्लाइड ऐसे जाने जाते रहने दो, बस लोग देखते, मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके साथ और कुछ एक्टिविटीज, हमने फर्स्ट पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था कि इसके लिए, इस तंजीम एनजीओ को मजबूत करने के लिए खवातीन की जरूरत है, हैंड्स की जरूरत है, रिसोर्स पर्सन कहाँ से आएंगे। तो रिसोर्स पर्सन के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट शुरुआत ही हमने हैदराबाद में किया था, डिप्लोमा इन इस्लामिक नाम से 3 मंथ्स कोर्स हमने स्टार्ट किया था। हमारा टारगेटेड ऑडियंस थे हाउसवाइफ्स, जो जस्ट मैरिड, एक दो बच्चों के साथ, हस्बैंड जाने के बाद सारा वक्त टीवी के हवाले कर देते, उनका उनको टारगेट किया हमने। उनको बोला 3 महीने में आपको हम डिप्लोमा इन इस्लामिक सर्टिफिकेट के साथ आपको कोर्स सिखाएंगे, जिसमें कुरान हदीस रिलेटेड टू वुमेन सारी चीजें हमने उसके अंदर कवर किया। उसमें आने के बाद कुछ खवातीन हमारे सोशल सेक्टर में आने के लिए हमारा वर्क देके हमारी तरफ आ रही थी, कुछ खवातीन और आगे बढ़ना चाह रही थी। इस तरह हमने अपने रिसोर्स पर्सन को जमा करना कोशिश करना की कोशिश की। साथ ही साथ हमने काउंसलिंग जब चल रही थी हमारे फैमिली इश्यूज पर, कुछ ऐसे इश्यूज भी आ रहे थे जो प्री मैरिटल काउंसलिंग, अगर शादी से पहले काउंसलिंग हो जाती तो ज्यादा ये बिगाड़ नहीं होती थी, ऐसा हमने महसूस करने लगा। तो फिर हमने उसके लिए मैट्रिमोनियल सर्विस, मैरिज ब्यूरो ओपन कर दिए कि ऐसी काउंसलिंग करेंगे तो आएंगे नहीं कोई, हमने कहा हम मैट्रिमोनियल सर्विस देंगे उनको। जैसा लड़का या लड़की का नाम रजिस्टर करते हैं हम लोग, करने के साथ उस लड़का को लड़की को दोनों को 2 बार काउंसलिंग होती है, उनके पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होती है, तो ताकि जो है ना शादी से पहले ही आने वाले या किस तरह के मोमेंट्स, मतलब किस तरह के तब्दीलियां उनके सोच में एक्शन में सब होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए, मैं बहुत तकलीफ के साथ बताती हूँ, हमारे नौजवान बच्चों को प्री मैरिटल काउंसलिंग तरफ जरूर लेके ला जाइए। मोबाइल आकर इतना बिगाड़ दिए हैं कि लोग अपनी जिंदगी 1 महीना 2 महीने के अंदर खत्म कर रहे हैं, रिश्ता खत्म कर रहे हैं। लड़कियों की भी जरूरत है, लड़कों की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होने के बाद ये वो एक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिस इज अ ग्राउंड रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, हम देखते हैं। और अगर बोलो ऐसा लगता है कि जबान भी उतना, होंठ मेरा है, दांत मेरा है, एक हिस्सा है, कुछ बोल भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। इस तरह के मसले हुए, हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, इस तरह के जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। और मैट्रिमोनियल सर्विस, उसके बाद में हमने अपनी नजर दौड़ाए कि स्लम्स को, क्योंकि मिडिल क्लास को तो एड्रेस कर रहे थे इस तरह के, और स्लम्स की तरफ हमारा ध्यान गया था। स्लम डेवलपमेंट भी हमारा हिस्सा है, वहाँ पे बच्चियों को जो ड्रॉप आउट्स है, स्कूल ड्रॉप आउट्स, 3rd, 5th, 7th जो पढ़ के ड्रॉप आउट्स होते, उस वक्त पढ़ने का इरादा नहीं रहता, शौक नहीं रहती, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन वसायल नहीं है, शर्माते हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो उन लोगों को पकड़ के स्क्रीनिंग करके, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डोनर्स जितने मिलते उतने स्टूडेंट्स हम लोग, पहला फर्स्ट बैच में हम 12 बच्चियों को शुरू करे थे, 12 डोनर्स ढूंढ रहे थे, 12 बच्चियों को हमने स्क्रीन आउट किया। तो इस तरह करके करते करते ग्राफ हमारा आहिस्ता बढ़ते गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल जो है ना वो बच्चियों को ट्रॉस एग्जाम लिखाते, 3-4 महीने उनको हम लोग तालीम देते खूब अप कराने का, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से 3 महीना अपने पास रख के तरबियत करते हैं उनको दीन का और दुनिया का। इसी दौरान में पैरा मेडिकल कोर्सेस में उनको शरीक करते ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और ये एक काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा यूनिक टाइप इसलिए है कि जैसा लड़कियों का एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुला के माँ से कहते हैं तुम्हारे बेटी को हम पढ़ाएंगे, इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, वरना फिर क्या देना। बोलते कि 10:30 बजे रात के बाद आपकी बेटी जागना नहीं, सुबह फजर के बाद सोना नहीं, इसका गारंटी लिख के दो। तो ये उनसे कमिटमेंट लेते हैं, ये और बात है हम प्रॉपर चेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल में एक चीज रख देते हैं कि आपकी बेटी के लिए हम मेहनत कर रहे थे, आप ये काम करो। तो एक बेटी के लिए वो माँ अगर सुबह में उठती है और दूसरे रात में 10:30 बजे बंद कराती है तो घर में एक माहौल बनता है, ये हमारा मतलब था। उसी तरह फादर जब होते हैं, फादर भी आते हैं,
फादर से बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली स्लम से ऑटो वाले, रिक्शा वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले यही लोग होते हैं, और ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, आप सबको मालूम है। तो फादर से कमिटमेंट लेते हैं कि शराब नहीं पीने का। मैं बोलती हूँ कि आप शराब नहीं पीना, गाली गलौज नहीं देना, लिख के दो। इस तरह पूरे फैमिली को अडॉप्ट करते हैं। स्लम में 12 बच्चों को अडॉप्ट पढ़ाने का मतलब सिर्फ 12 बच्चे ने 12 फैमिलीज। ये हम यूनिक टाइप का काम करने की कोशिश करें, इसके अंदर नतीजे भी अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जो है हम बहुत से एक्टिविटीज देख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर्स जाके आप ऐसे एडवांस कोर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया, और हमने टेलरिंग का भी हमने रखा। मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकली सोशल वर्कर भी, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी टाइप की हूँ। NRCCA आया था तो उस वक्त तो फेस ऑफ हैदराबाद के नाम से मुझे लोग जान रहे थे, क्योंकि जहाँ भी फ्लैश प्रोटेस्ट था वहाँ हम थे। तो हमने, क्योंकि लोग पूछा NRCCA में आप क्यों आ रहे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो लेडीज़ का, ये लेडीज़ का भी प्रॉब्लम है, ये लेडीज़ का प्रॉब्लम कैसे नहीं है ये। तो इस तरह जो है हमने कॉल एक दफ़ा प्रोटेस्ट दिए तो हज़ारों के लोग आ गए थे। ये एक वक्त था ऐसा आते गया। अब रही बात, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, ये एक्ट्रिज्म आने से पहले मैं एक्ट्रेस कैसा बनी, मुझे क्या वो मोटिवेशन था एक्ट्रेस बनने मजबूर किया। जब मैं दावती काम ही कर रही थी, हमारे वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में एक स्पेशल ऑफिसर थे, बहुत ही ईमानदार। उनके पास मैं शादी मुबारक स्कीम के बारे में पूछने के लिए गई थी, क्या ये सही है, बच्ची के नाम पे पूरा पैसे आएगा, बीच में कोई मिडिल आदमी रहता है क्या। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, कुछ डायरेक्ट उनके अकाउंट में आते। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैडम वक्फ सिलसिले में, मस्जिद सिलसिले में आप हमारे बारे में क्या कर सकते हैं, क्या आप लोग क्या कर सकते हैं। हमारा छोटा तंजीम था उस वक्त में, अवामी इंसाफ मूवमेंट भी। तो मैंने कहा कि क्या, अभी तो हमको तो ऐसा कोई इल्म नहीं है। तो बोले मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरा क्लियर है, मैं ऑफलाइन आपको सब कुछ दूंगा, उसको अवेयर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। लीगल फाइट कोई और कर रहा है। फिर हमने एक मीटिंग की, फिर बाद में हमने फैसला किया हाँ अपने कैपेसिटी के हिसाब से अवाम में लाएंगे, तो टोपी बच्चों के यूथ को टोपियाँ और बनियंस वाला सेव टोली मस्जिद नाम से हमने बनाया। जब मैं ये बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था तो हमारे कुछ बड़े लोगों के सामने जिक्र की थी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप दुआ कीजिए ये वक्फ का, वो बहुत टोली मस्जिद नाम से आप टाइप करेंगे तो मालूम होता कितना बड़ा स्कैम है वो बहुत बड़ा, बड़े बड़े लोगों के हाथ है उसके अंदर। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। तो मैं बोली थी इस टोली मस्जिद के इश्यू पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कल, तो बोले कि बाजी आप उस पे हाथ डाले, वो वक्त पे हाथ डाले। अब मैं बोली अच्छा, तो मैंने हाँ वो तो डाल दिए। नहीं ये कैसा, बहुत ही डेंजर। मैंने कहा डाल दिए, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, पीछे तो एक स्टेप भी बैक नहीं होंगे, बैकअप नहीं होंगे। अब मैंने उसके बाद उन्होंने दुआ करना शुरू कर दिए थे। मैंने अच्छा इतना सेंसिटिव बिचारे, इतना सेंसिटिव। और फिर मैंने उन वक्त कहा कि मुझे मालूम था, जब भी मैं समझी मुझे क्या करना है, वाई आई एम ए मुस्लिम, वाई आई एम लाइक दिस, मुझे समझ में आने के बाद से मैं एक तय कर दी थी कि मुझे ICU में भर के मरना नहीं है। तो मैं सर में कफन बन के निकली हूँ घर से, मौत से कभी डरती नहीं, ये मैंने कहा उनसे। तो मुझे ऐसा उस वक्त मेरे मुंह से कुछ निकला था, हालांकि मैंने कोई पहले से लिख के नहीं रखा था, तो मुझे मौत से वाकई डर नहीं है। क्यों डरेंगे भाई? तो वो एक्टिविज्म का वो जो जज्बा है ना इस अंदर था, वो वहां पहली दफा निकला और हमने फाइट किया। जितना मुश्किल सिचुएशन मैंने बताया कि आपके लिए भी सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी कुछ नहीं, ऑटो में जाती ऑटो में आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में तेलंगाना में हमने इसलिए वक्त पे छोड़ दिया, वहां मुझे ऐसा लगा ये दलदल है, कहीं से समझ देखेंगे उसके अंदर। वो जो टोली चौकी, टोली मस्जिद के एरिया के जितने भी औकाफ की जमीन है ना, पूरे पार्टी वाले हड़प कर दिए थे, पूरे एक पार्टी नहीं दूसरा पार्टी, सारे पार्टी वाले हड़प किए थे। तो कौन किसको बोलेगा, कौन किसको पकड़ाएगा? उसके बाद में सोचे कि हम एज ए वुमन क्या कर सकते हैं। और मैं जो आज कर्नाटका के बारे में सुनकर
सर इससे पहले अकरम भाई के सुन के हमने ट्विटर में देखा था, सुन के इतना अच्छा लगा कि अच्छा इतना सब कुछ हो रहा था, तेलंगाना वाले क्या सो रहे थे, क्यों सो रहे थे, समझ नहीं आ रहा, आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो रहा है कि एज ए वुमन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, कि जो वक्त पे काम करने वालों को इतना सब कुछ हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्यों सो रहे, समझ नहीं आता मुझे। तो ये एक एक्टिविज्म का जज्बा मेरे अंदर है, तो मैंने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ जगह पे मैंने काम किए, कोविड में वक्त में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम किए, सबसे ज्यादा जनता कर्फ्यू में फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे हमने खाना, बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको खाना खिलाना, उसके बाद लगातार हमने खाना खिलाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से की है। इसमें हमारा तंजीम तरफ से सबसे पहला एक व्हीकल कि जो उस्मानिया हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल में डेड बॉडीज का ढेर पड़े हुए थे, क्योंकि उठाने वाले कोई नहीं थे, 10-12 हजार व्हीकल के लिए पूछ रहे थे डेड बॉडी उठाने के लिए ले आने के लिए, तो लोग छोड़ के चले आ रहे थे। तो बात आने के बाद फिर मैं अपने डोनर से बात करी कि एक आध व्हीकल हम ले लेते हैं।